वीडियो चैप्टर 8 का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस और बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव्स एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? फॉर एग्जांपल, स्पीकर साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। स्पीकर के सामने एक बारीक सी सतह होती है, पीछे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं तो वो सतह आगे पीछे वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो स्पीकर के बिल्कुल सामने जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं वो भी आगे पीछे मूव करते हैं। जब वो आगे मूव करते हैं तो अपने से आगे वाले पार्टिकल्स को से टकराते हैं और उनको भी मूव करा देते हैं, और यूं वो अपने से आगे वाले पार्टिकल्स को मूव करा देते हैं। इस तरह हमारी साउंड वेव एक एनर्जी हवा के पार्टिकल्स में से ट्रैवल करती हुई किसी स्पीकर तक, सॉरी किसी माइक तक जाती है जिससे हम आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। माइक के अंदर भी एक सरफेस होती है जो हवा के इन पार्टिकल की वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती है और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें बताती है। इसी तरह इंसान के गले में वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो स्पीकर की तरह होती हैं, और जब हम बोलते हैं तो हवा में हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, और इंसान के कान में एक और सरफेस लगी होती है जो इन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करती है। इसलिए साउंड वेव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की वेव्स हैं, क्योंकि इसकी हर तरह की कम्युनिकेशन साउंड वेव्स की वजह से होती है। जब हवा के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनमें वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और ये पीरियोडिकली हो रहा होता है क्योंकि ये पीरियोडिक वेव्स हैं। जो जिन एरियाज में ये एक दूसरे के करीब होते हैं इनको हम कंप्रेशन कहते हैं, और जिनमें ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। हम किसी भी दो कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के बीच में जो टाइम होता है वो उस साउंड वेव का टाइम पीरियड होता है, और एक वेवलेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट एनर्जी की जो वेव होती है साउंड वेव, वो ट्रैवल करती है एक टाइम पीरियड के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि साउंड वेव्स हैं वो पार्टिकल्स की अंदर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स की क्वालिटीज हैं उसकी ऊपर डिपेंड करती है कि स्पीड ऑफ साउंड कितने हैं। न्यूटन ने हमें एक रिलेशनशिप दिया कि स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ई जो है वो इलास्टिक मॉडुलस है, ये किसी चीज़ की इलास्टिसिटी मेजर करता है। इलास्टिसिटी क्या होती है? कि पार्टिकल्स के आपस में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कितने इलास्टिक हैं। सॉलिड्स के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है मगर उसके बॉन्ड्स कम इलास्टिक होते हैं। यानी ये ऐसा है कि जैसे अगर आप एक लकड़ी को एक रबर के साथ कंपेयर करें तो सॉलिड्स के जो बॉन्ड्स हैं वो लकड़ी की तरह होते हैं, सख्त होते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब एक पार्टिकल ऊपर मूव करता है तो उसका जो साथ वाला पार्टिकल होता है उसको भी ऊपर मूव करना पड़ता है, तो एनर्जी ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसफर होती है। इसके बरक्स गैसेस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है मगर ये ज़्यादा इलास्टिक बॉन्ड्स होते हैं। जैसे एक लकड़ी के बजाय आप एक रबर कंसिडर करें तो एक पार्टिकल ऊपर मूव कर लेगा तो दूसरा फिर भी नीचे रहेगा क्योंकि इसका बॉन्ड इलास्टिक है, बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा। तो गैसेस के अंदर फिर एनर्जी उतने अच्छे तरीके से ट्रांसफर नहीं होती साउंड एनर्जी जितनी अच्छे तरीके से सॉलिड में होती है। सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से साउंड ट्रांसफर हो जाती है। अगर आप एक रेल की पटरी पर खड़े हुए हैं, अगर आप रेल की पटरी के साथ कान लगाएंगे तो अगर रेल आ रही है आपको रेल की पटरी में ज़्यादा जल्दी आवाज़ आ जाएगी बजाय इसके कि आप हवा में सुने कि ट्रेन के आने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि सॉलिड्स में ज़्यादा जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी जो क्वालिटी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही स्पीड कम होगी। डेंसिटी असल में इनर्शियल प्रॉपर्टी है। जितनी किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है, वो अपनी स्टेट मेंटेन करती है। तो वो जब हम एक्सटर्नल एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं तो वो इतनी जल्दी उसको आगे नहीं जाने देती, वो उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी सॉलिड्स में ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड्स आपस में करीब करीब उनके पार्टिकल्स होते हैं, तो उस हिसाब से सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड कम होनी चाहिए और डेंसिटी की वजह से कम होती है। मगर इलास्टिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इलास्टिसिटी से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डेंसिटी से फिर उतनी कम नहीं होती। गैसेस के अंदर डेंसिटी कम होती है, दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ज़्यादा वो आसानी से आगे पीछे मूव कर सकते हैं और ज़्यादा जल्दी अपनी स्टेट गैसेस चेंज कर लेती हैं, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता जितना इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी की वजह से जो असर होता है ना वो डेंसिटी की वजह से होने वाले असर से बहुत ज़्यादा होता है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी बेसिकली पावर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी। तो पावर के यूनिट वॉट होते हैं पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी। मुझे ए और बी दोनों वॉट पर मीटर स्क्वायर नज़र आ रहे हैं पर ये दोनों सेम नहीं हो सकते, यकीनन एक में स्क्वायर होगा एक में स्क्वायर नहीं होगा। तो
हमारा करेक्ट जो आंसर है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इनमें से जो भी है हम उसको सेलेक्ट कर देते हैं। दूसरा हम अज्यूम करते हैं कि विदाउट द माइनस साइन है तो वो गलत होगा। न्यूटन पर सेकेंड ठीक नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ठीक नहीं है, ये पावर पर यूनिट एरिया के यूनिट्स होते हैं इंटेंसिटी के। अल्ट्रासोनिक आर द फ्रिक्वेंसीज इन द ऑडिबल रेंज। अब ऑडिबल रेंज वो रेंज होती है, फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं, एक पूरी फ्रिक्वेंसी रेंज है जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है, जिसके अंदर इंसान आवाज़ें सुन सकता है, उससे ऊपर और उसके नीचे की आवाज़ें नहीं सुन सकता। जो बीच में रेंज होती है उसको कहते हैं ऑडिबल रेंज। ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई दी दे जाए, जो इससे ऊपर होती है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। सोनिक साउंड से है और अल्ट्रा का मतलब होता है ऊपर, तो ऑडिबल रेंज से ऊपर अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल रेंज से नीचे इंफ्रा का मतलब होता है नीचे, इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज हैं जो ऑडिबल रेंज से ऊपर हैं, यानी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़ वाला आंसर ठीक है। ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज़ तो ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल रेंज वाली नहीं होती, लोअर देन 20 किलोहर्ट्ज़ भी ऑडिबल होती हैं। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, पिच का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड्स, इसके बरक्स बैस होता है जिसका मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। लड़कियों की आवाज़ में पिच ज़्यादा होती है, लड़कों की आवाज़ में बैस ज़्यादा होता है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, अब लाउडनेस पे क्या डिपेंड करता है, लाउडनेस या वॉल्यूम अगर कम भी है तो पिच फिर भी ज़्यादा हो सकती है, तो इस लाउडनेस पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर भी एक तरह से लाउडनेस मेजर करेगा या एम्पलीट्यूड मेजर करेगा, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हमेशा पिच या बैस फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी इसका दुरुस्त जवाब है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ साउंड की टर्म्स में हम पिच और बैस की बात नहीं करते, हमेशा फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में करते हैं, इसलिए वेवलेंथ इसका सही जवाब नहीं है। सेबन इज द यूनिट ऑफ, सेबन एक साइंटिस्ट था और उसने एक हॉल कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्को वापस आ रही थी, तो उन्होंने उसको कहा कि इसका कोई इलाज बताएं, तो उसने सबसे पहले एक एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट डिफाइन किया और उसने कहा ये डिपेंड करता है कि आप किसी हॉल में जाके जो आवाज़ निकालते हैं उसकी रिवर्बरेशन टाइम कितना है, वो कितनी देर के बाद आपके पास वापस आती है। रिवर्बरेशन टाइम को आप मल्टीप्लाई करें उस हॉल के वॉल्यूम के साथ तो आपके पास एक कोफिशेंट आता है, उसको हम एब्जॉर्बिंग कोफिशेंट कहते हैं, और उस साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए इसको सेबन कहते हैं। द यूनिट ऑफ एब्जॉर्बिंग पावर, इंटेंसिटी, लाउडनेस या फ्रीक्वेंसी नहीं है। नॉर्मल ईयर इज द मोस्ट सेंसिटिव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। नॉर्मल जो रेंज होती है वो 20 to 20 किलो हर्ट्ज होती है, मगर देखा गया है कि 2000 to 5000 हर्ट्ज के बीच में इंसान ज़्यादा सेंसिटिव होता है टूवर्ड साउंड्स। अब इसकी वजह या ये बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी जो रेंज है 10 to 20 हर्ट्ज में तो इंसान को ऑडिबल ही नहीं होता, 6 to 8 रेंज के अंदर है, और 20,000 to 30,000 भी रेंज से बाहर है, ये ऑडिबल रेंज, ये अल्ट्रासोनिक है। तो ये फर्स्ट टू ऑप्शंस आप रूल आउट कर सकते हैं, फिर 2 to 4 और 6 to 8 के अंदर से लो फ्रीक्वेंसीज इंसान ज़्यादा जल्दी आराम से सुन सकता है। जब इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसके अंदर हायर फ्रीक्वेंसी सुनने की सलाहियत भी कम होती जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी हमने कहा कि वेव किस तरह ट्रैवल करती है, कि एक पार्टिकल होता है उसके ऊपर एक हम एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, एक वेव सोर्स एक एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। अगर एक ही पार्टिकल के ऊपर एक से ज़्यादा वेव सोर्सेज एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हों तो फिर उस पार्टिकल की टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर हम कहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट वाई है और वेव सोर्स वन की वजह से वो उसकी डिस्प्लेसमेंट वाई वन है, वेव सोर्स टू की वजह से वाई टू है, वेव सोर्स थ्री की वजह से वाई थ्री है, तो टोटल जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगी वो उन सब का सम होगी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का। ये है हमारा सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसकी बहुत सारी नतायज हैं, इसकी वजह से बहुत सारे फिनोमेना होते हैं साउंड वेव्स के अंदर और हर किस्म की वेव्स के अंदर, जिनके अंदर इंटरफेरेंस शामिल है, बीट्स का कॉन्सेप्ट शामिल है और स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट शामिल है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम इसको एक और तरह से देखते हैं, जब दो वेव्स आपस में सुपरपोज होती हैं, यानी एक पार्टिकल के ऊपर दो वेव्स एक्ट करती हैं, तो उन दो वेव सोर्सेस का या तो फ्रीक्वेंसीज F1 F2 के बराबर होगी या फिर एक फ्रीक्वेंसी दूसरी से मुख्तलिफ होगी। अगर तो बराबर होगी तो दोनों वेव्स या तो एक ही डायरेक्शन से आ रही हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं।
अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। और अगर वो एक ही डायरेक्शन से आ रही होती हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, जो हम अभी स्टडी करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली मुख्तलिफ होती हैं और एक ही डायरेक्शन से आ रही हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं बीट्स, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। इंटरफेरेंस एक फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास दो वेव सोर्सेज होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और दोनों एक ही डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, तो हमारे पास इंटरफेरेंस होती है। इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं कि एक स्विमिंग पूल है और इसके ऊपर इधर एक मोटर लगाई हुई है, इधर एक मोटर लगाई हुई है। मोटर के सामने हमने कोई व्हील रखा हुआ है जो घूमता है, तो पानी के अंदर रिपल्स क्रिएट होते हैं। दोनों मोटरें जो हैं उनका एक जैसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो घूम रही हैं, तो पानी में रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। जब ये रिपल्स एक दूसरे से टकराएंगे, रिपल क्या है, जो वेव है, एक क्रेस्ट और ट्रॉफ, क्रेस्ट और ट्रॉफ, क्रेस्ट और ट्रॉफ, जिस तरह पानी के ऊपर वेव्स होती हैं, ये इनको मैं रिपल कह रही हूँ। ये जब एक दूसरे से टकराते हैं तो जिन पॉइंट्स पे ये जो ऐसे पॉइंट्स हैं स्विमिंग पूल में जिसमें दोनों वेव सोर्सेस का असर आ रहा है, वहां पर इंटरफेरेंस होगी। और लेट सपोज ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर ये दोनों वेव्स जब आपस में सुपरपोज होंगी तो एक दूसरे का असर कैंसिल कर देंगी और हमारे पास उस पॉइंट पे फ्लैट सरफेस आ जाएगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर एक वेव दूसरी वेव के साथ इन फेज होगी, और इन पॉइंट्स पे क्या होगा कि जहां पर पीक्स होंगी या क्रेस्ट होंगी, इसको क्रेस्ट कहते हैं, वहां पे मेरा जो नेट पानी की पोजीशन होगी वो सुपर पोजीशन के नतीजे में इन दोनों का सम होगी। जो इसका एम्पलीट्यूड होगा और जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, मेरी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों का सम होगा, इन दोनों से बड़ा होगा। और फिर ट्रफ जो मिनिमम पॉइंट होता है एक वेव का, उन दोनों के ऊपर भी इसी तरह ऐड हो जाएगी पोजिशन, तो मेरा क्रेस्ट और ट्रफ इन दोनों इंडिविजुअल वेव्स के क्रेस्ट और ट्रफ से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, इन दोनों से बड़ा होगा वो, तो ये मेरे पास इंटरफेरेंस का नतीजा है। फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स टू टेक प्लेस द रिक्वायर्ड कंडीशन इज, इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन से वेव्स आ रही हों तो इंटरफेरेंस होती है। पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज मस्ट बी लार्ज। पाथ डिफरेंस का मतलब है एक ये वेव सोर्स है, एक ये वेव सोर्स है, वो लार्ज हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज वो आपस में इंटरफेयर कर लें। उनके वेव फ्रंट्स जब आगे बढ़ेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए ये कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। इंटरफेयरिंग वेव मस्ट बी नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट का मतलब है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ हों, F1 F2 से मुख्तलिफ हो। कोहेरेंट का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी, तो हमारी इंटरफेरेंस की कंडीशन में इन दोनों को सेम होना चाहिए, ये भी गलत है। लाइट वेव्स मे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। दो सोर्सेज के बीच में, आइडियली दो सोर्सेज के बीच में इंटरफेरेंस होती है, मगर हम अगर हमारे पास एक ही सोर्स है, हम उसको अगर स्प्लिट कर लें तो हमारे पास एक ही सोर्स से दो सोर्सेज भी बन सकते हैं। मसलन अगर पानी आ रहा है हमारे पास नलके में, एक स्ट्रीम में, छोटी सी स्ट्रीम में पानी आ रहा है, अगर मैं इसके आगे कोई ऑब्स्टिकल रख देती हूँ, पत्थर रख देती हूँ, तो ये दो सोर्सेज में बदल जाएगा और फिर आगे जाके ये आपस में फिर भी इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए दो सोर्सेज होने तो चाहिए असूली तौर पर, मगर एक सोर्स दो सोर्सेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं, हमें सही नहीं पता। लाइट वेव्स में कम फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। लाइट वेव्स को दो कोहेरेंट सोर्सेज से आना चाहिए, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, वाकई है, तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। जो सी वाली कंडीशन है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, या हम एक सिंगल सोर्स को भी दो सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडियली हमारे पास दो सोर्सेज तो होने चाहिए, मगर जो डी ऑप्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए मैं डी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। बीट्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक गिटार है, गिटार के ऊपर स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, हम तीन स्ट्रिंग्स कंसिडर करते हैं, और ये स्ट्रिंग्स आगे स्क्रूज के साथ लगी होती हैं। पेच होता है, वो हर स्ट्रिंग के साथ लगा होता है, अगर हम इस पेच को घुमाएं तो वो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है या लूज हो जाती है। हर स्ट्रिंग की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम उस स्ट्रिंग को छेड़ेंगे तो वो एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, और वो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही होती है, 1/2L F ओवर M। L उस स्ट्रिंग की लेंथ है, F उसमें टेंशन है जो हम इस पेज को घुमा के चेंज कर सकते हैं, और M मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ एक गिटार बन गया, उसका चेंज नहीं हो सकता, लेंथ सबकी फिक्स्ड है। हम
टेंशन चेंज कर सकते हैं, हम स्क्रूज को टाइट करके या लूज करके उसकी टेंशन चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। हर फ्रीक्वेंसी की मुख्तलिफ आवाज़ होती है, जैसी आप आवाज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके मुताबिक फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। मगर जब हम गिटार को ट्यून कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि सारी स्ट्रिंग्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाए, हर स्ट्रिंग के जो हारमोनिक्स हैं वो एक जैसे हो जाएं, ताकि जब हम म्यूज़िक बजाएं तो वो म्यूज़िक अच्छा लगे कानों को। उसके लिए हम चाहते हैं सारी स्ट्रिंग्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे आ जाएं। तो हम मैं कहती हूँ स्ट्रिंग वन की फ्रीक्वेंसी एफ वन है, बीच वाली की एफ टू है और तीसरी वाली की एफ थ्री है। अगर मैं एफ वन को छेड़ूंगी तो मुझे एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आवाज़ आएगी जो कि एक मोनोटोन होगी, जैसे टू या जो भी गिटार की आवाज़ होती है। एफ टू की एक फ्रीक्वेंसी होगी, स्लाइटली डिफरेंट है। अगर मैं एफ वन और एफ टू को इकट्ठा छेड़ती हूँ तो एफ वन और एफ टू सुपर पोज हो जाएंगी और फिर मुझे एक और आवाज आएगी जिसको हम बीट्स कहते हैं। और वो बीट्स कैसी होती है, हमें ठक ठक तरह की आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। जब दो फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होती, करीब करीब होती हैं, और हम उन दो वेव सोर्सेस को इकट्ठा सुने तो हमें बीट सुनाई देती हैं, जिनकी मैंने अभी आपको आवाज सुनाई। इसको इस्तेमाल करते हुए, इस फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए हम गिटार को कैसे ट्यून कर सकते हैं, हम फिर दूसरी वाली स्ट्रिंग की टेंशन चेंज करेंगे इस तरह कि हम जब दोनों तारों को इकट्ठा छेड़ें तो हमें बीट सुनाई ना दें। हम चाहते हैं कि हमें बीट सुनाई ना दें, ताकि हमारे सारे स्ट्रिंग्स एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून्ड हों।